मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर का, नॉर्थ के एसडीएम का, जिन्होंने दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और ये कहकर करवाई कि जो 205 लोग राहगीर आए थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, 29 तारीख को जो आए थे और जिसकी जानकारी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को दी गई, पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई, 31 तारीख को दोबारा से वीडियो डालकर दी गई और फिर सरकार होश में आई, जबकि ये सरकार का फर्ज बनता था उनको संभालना, उनको जगह देनी। देश के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि जो जहां पे वहां पे टिका रहे, इनकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की और दिल्ली सरकार की थी, जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए और दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इनको वहां शरण दी, जो जगह मजनू का टीला सरा और हमारा लंगर हॉल जो हमने क्वारंटीन बेस के लिए खुद दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर दिया था आज से 15 दिन पहले, और वहां पे वो सेफ थे, वो क्वारंटीन बेस के अंदर थे, सेफ डिस्टेंस में रखा गया था, उसके बावजूद दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए उन लोगों को उठा के स्कूल में फेंक आई जहां पे वो सेफ भी नहीं है, बड़े अनसेफ अनहाइजीनिक हालातों में इनको रखा गया है, और फिर दिल्ली को हमें ही कहा गया है उनको 3 वक्त का खाना दो और उन्हीं पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हो आप, जो लोगों से आप 1,00,000 लोगों के दिल्ली के लिए रोज लंगर ले रहे हो, जिसके उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये मानवता की सेवा आप कर रहे हैं? हम अपनी सेवा से अभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम 1,00,000 की जगह 2,00,000 लोगों का खाना देंगे, हमने जो डॉक्टर जो नर्सेस जिनको लोगों ने घरों में नहीं रखा, हमने उनको अपनी सराओं में ला के रखा, और आप उस संस्था के ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं जो मानवता की सेवा में इस आपदा में पूरा जोर से अपनी सारी जान का जोखिम लगा के लगी हुई है, उसके ऊपर आप मुकदमा इसलिए दर्ज करा रहे हैं क्योंकि आप अपने अफसरों को बचाना चाहते हैं? बहुत ही शर्म की बात है, हमें अफसोस भी है, हमें दुख भी है, लेकिन इस दुख और अफसोस के साथ मानवता की सेवा इसी तरह जारी रहेगी।